लासिक के बाद हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? व्हाट शुड वी बी थिंकिंग ऑफ कि हाउ शुड वी प्लान फॉर आफ्टर द लेजर? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि लेजर के इमीडिएटली बाद फर्स्ट डे में क्या होगा। फर्स्ट डे में आपको थोड़ा महसूस होगा जैसे आंख में कुछ फंसा हुआ है, हल्का सा वाटरिंग हो सकता है, धुंधलापन होगा, खुद से आप गाड़ी चला के वापस नहीं जाएंगे। विद इन 12 to 24 hours आपकी विजन क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब आपकी विजन 95% ऑफ ग्लास विजन तो पहुंच जानी चाहिए। कभी कभी 100% तक फर्स्ट डे में नहीं पहुंचेगी, बट 2 to 3 days में इट शुड रीच अराउंड 100% विजन। दूसरा, जो इरिटेशन आपको फील होती है वो 1 to 2 days में ख़त्म हो जाती है। यू बिकम कंफर्टेबल, यू बिकम एबल टू सी क्लियरली। तीसरी चीज़ है कि पहले कुछ दिनों तक आपको कुछ ग्लेयर दिखाई दे सकता है। अगर हम लाइट की तरफ देख रहे हैं, उसके आसपास की जो शार्पनेस है वो नहीं दिखेगी, फजीनेस दिख सकता है। हर एक को नहीं, पर किसी किसी को ये दिख सकता है टिल अ वीक और अ मंथ आफ्टर प्रोसीजर। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो महीने के बाद ग्लेयर वगैरह नहीं रहता है। फिर हमें ये देखना है कि आफ्टर लेज़र हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। आंख को मलना नहीं है एक महीने के लिए, आई मेकअप नहीं यूज़ करना है 2 महीने के लिए, और 2 महीने तक स्विमिंग नहीं करना है। इन सब प्रोसेस में जो फ्लाप बना है लासिक के द्वारा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। हमें ये भी देखना है कि क्या क्या हम नहीं एक्सपेक्ट करें लासिक के बाद। तो अगर आपको लासिक के बाद सिवियर पेन है, आपकी आँख में लाली है, आपके धुंधलापन है, या फिर सडनली रोशनी कम हो रही है, तो ये सारे लक्षण हैं कि कुछ ना कुछ आपकी आँख में चेक करना है। अपने डॉक्टर के पास जाके अपने आप को तुरंत चेक कराइए और इन सबको ठीक कराइए। अगर नॉर्मल आपको थोड़ा सा इरिटेशन वगैरह है, विद इन अ फ्यू डेज वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।